हाँ स्टार्ट करूँ क्या मैं? दो लोग बैठे थे बेंच पे, कॉर्नर में हो जाएगा। अभी सुनो क्या बोल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में शायद से फॉर्मूला मेथड चालू किया था, बराबर है? अपन उसको ही आगे लेके जाने वाले, बट मैं चाहता है कि सब लोग पहले मेरे पास ध्यान दे, दो मिनट चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था एक बार पहले वो देख लेते आप, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर है आपका भी, सेकंड बराबर ना? हाँ बाकी सब दो ही हुए जो ही। आगे ध्यान देना, आगे फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला शायद से मैं लास्ट टाइम लिखा था और आपको बोला था कि एक बार याद कर लेना उसको, एक बार मैं बोल के बता रहा हूं। माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल डिवाइडेड बाय टू ए, बराबर है क्या? yes. जिनका फर्स्ट लेक्चर है ना उन लोग जरा एक बार आराम से देख लेना, कोई घाई गड़बड़ नहीं है, कितने जाना नहीं है अपने को, सिर्फ मैंने ये याद करने को बोला था और शायद से अपना ना एक या दो सम सॉल्व करके हुआ था, यहाँ पर एक हुआ था जो आधा सम करके गए थे, बराबर है ना? अभी ध्यान देना, ये फॉर्मूला एक बार देख लो, जिनका फर्स्ट लेक्चर है याद करने को ट्राई करो जरा। लास्ट बेंच खड़ा रहे, मेरे हाथ में देख के फॉर्मूला दो। माइनस बी प्लस माइनस रूट रूट बी स्क्वायर माइनस फोर माइनस देखा था ना बेटा, माइनस फोर एसी उधर लिखा है, ऐसा आपने मजाक कर रहा है। हाँ माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल डिवाइडेड बाय टू ए, बराबर है? अभी उसके बाद में क्या बोल रहा है एकदम ठीक से सुनना, सब लोग के लिए बोल रहा है क्या, किसी एक दूसरे के लिए नहीं बोल रहा है, ध्यान दो इधर। स्टार्ट करो, ध्यान देना क्या सॉल्व करने का अपने को, जिनका फर्स्ट लेक्चर है टेंशन लेने का नहीं है, मैं जो बोल रहा है ना उतना सिर्फ समझने को ट्राई करो, ठीक है? मुझे ना इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये डिवाइड में दिख रहा है ना आपको, मैंने आपको चैप्टर नंबर वन के टाइम भी बताया था और टू के टाइम शायद एक सम था तभी भी बताया था कि जो भी डिवाइड में रहता है उसको उल्टा करने का, उल्टा करने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या दिख रहा है तो उसका उल्टा मल्टीप्लाइंग बाय थ्री ऑन बोथ साइड, ये लैंग्वेज समझना चाहिए, बराबर है क्या? मल्टीप्लाइंग बाय थ्री पीएस मतलब बोथ साइड, अभी बोथ साइड मतलब क्या है मालूम है क्या, ध्यान देना सब लोग, एक बार इधर मल्टीप्लाइंग बाय थ्री होगा, एक बार इधर मल्टीप्लाइंग बाय थ्री होगा, एक बार इधर होगा, यस और नो? Yes. जोर से क्या है, दो चार लोग ही बैठे। yes. आगे जान दो, तो एक बार थ्री इधर होगा तो भाई मेरे वो हो जाएगा थ्री बाय स्क्वायर, समझ में आता है क्या? yes. बट जब इधर आएगा ना मल्टीप्लाइंग बाय थ्री, वो मल्टीप्लाइंग बाय थ्री और ये डिवाइड वाला थ्री दोनों कट हो जाएगा, समझ रहे क्या? देखो ऐसा बोल रहा हूँ, ये पहले से है वहां पे, एक मल्टीप्लाइंग बाय थ्री आएगा, समझा के कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस वन वाई इज इक्वल टू सिक्स, ऐसा कैसा हुआ यहाँ पर, टू था या सिक्स कैसा हुआ, थ्री के टेबल, मुझे बताओ ये प्रॉपर अरेंजमेंट है या कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिक्स को लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा क्योंकि सब किधर होना चाहिए, एक बाजू में होना चाहिए, ये अभी क्या है प्लस में कि माइनस में, इधर आ जाए थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, समझता है? yes. बिल्कुल पक्का? yes. अभी ध्यान दो, आपको पता है सब लोग को ये स्टार्टिंग का वैल्यू ए होता है, बीच का वैल्यू बी होता है, लास्ट वाला वैल्यू सी होता है, चलो बताओ ए कितना, बी वन,
की माइनस वन सी माइनस समझता है माइनस दिख रहा है yes. पक्का yes. अभी क्या लिखेगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखेगा yeah. बट एक बात ध्यान देना अल्फाबेट कौन सा यूज हुआ है y. तो ऐसा लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए समझा yes. पक्का क्या yes. इधर लिखना पड़ेगा ना इधर बीच में कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म वी गेट a equals to 3, b equals to 1, c equals to minus 6. समझ में आ रहा है? Yes. एक बार सम वापस स्टार्ट कर रहा है के ऊपर से. y square plus 1 upon 3y is equals to 2. मुझे प्रॉब्लम किससे हुआ मालूम है क्या? जो नीचे 3 दिखाई दे रहा है नीचे 3 उससे मुझे प्रॉब्लम हुआ तो डिवाइड में था तो उसको उल्टा किया मल्टीप्लाइंग बाय 3. तो जो मल्टीप्लाइंग बाय 3 है ना एक बार y square का होगा एक बार बीच वाला टर्म के साथ होगा और एक बार जो इक्वल्स टू के बाद में 2 है ना 2 उसके साथ होगा तो 3 इनटू y स्क्वायर लिखा 3y स्क्वायर. मुझे एक बात बताओ यहां पर तो 3 था वो 3 गया किधर कट हो गया वो समझ में आ रहा है. अभी मुझे बताओ इधर लिख देता हूं a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू -6 सिर्फ क्या पुट अप करने का ना बट मैं बोलता हूँ ऐसा करो आगे काई करने का नहीं मैं बोलता हूँ ऐसा b कितना है b 1 है और ये पहले माइनस दिख रहा है माइनस 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ समझा क्या आगे बढ़ू क्या कुछ है ऊपर तक और कुछ डाउट ध्यान देना b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी बराबर ना अपॉन टू इंटू ए समझा क्या सी वैल्यू पुट अप करना है ए कितना है भाई ए थ्री सी कितना है माइनस सिक्स और ए है ना नीचे थ्री देखो जरा भाई गड़बड़ नहीं एक एक स्टेप में एक्सप्लेनेशन पे वेट कर रहा है समझ में आ रहा है क्या बराबर है आगे माइनस वन प्लस और माइनस रूट ऑफ बराबर है वन का स्क्वायर वन ही आता है. अभी इंपॉर्टेंट है आगे ये देखो ये एक माइनस है और ये एक माइनस है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस समझ रहे हैं फोर थ्री जा ट्वेल्व 12 6 आ 72 ये 6 समझा गया बराबर है 1 प्लस 72 कितना आता है 73 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6 समझ रहा है एक बात पूछता है 73 कोई टेबल में जाता है तो मतलब वो क्या है प्राइम नंबर है ना तो प्राइम नंबर है जब तक फैक्टर नहीं आएगा आगे समझाने वाला है नहीं तो ये अपना फाइनल आंसर है क्या लिखेगा बताओ आंसर में माइनस वन प्लस रूट 73 अपॉन 6 ये एक आंसर हो गया. अभी दूसरा क्या है माइनस है ना माइनस वन माइनस रूट 73 अपॉन 6 समझ में आता है क्या yes. एक बार मैं चाहता है कि आप लोग यहां से लेके यहां तक देखिए सॉल्व कोई करेगा नहीं फिर देखने का रैंडमली कुछ भी पूछेगा क्या ये किधर से आया ये 3 किधर से आया 72 किधर से आया आपको बताना चाहिए. जल्दी जरा भाई तो खड़ा रहे हाँ चलो करो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन हाँ एक मिनट भाई मैं उनको रुकाएगा किधर तो भी वहां से बाकी लोग को चालू करने फिर हमें
फिर उसे कंपेयरिंग विद अदर पब फिर ए हमें मिला 3 बी 1 और सी माइनस 6 तो हमारे पास एक फॉर्मूला था माइनस बी प्लस प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है तो फिर हमने वो वैल्यूज फॉर्मूला में पुट किया फिर हमें इक्वेशन मुझे सिर्फ एक सिंपल चीज बता ये तो माइनस होता है कि प्लस कितने कैसा हो गया सर माइनस 4 माइनस 6 है ना तो माइनस प्लस बैठ जा भाई शाबाश समझ में आ रहा है सब लोग को यस ये फॉर्मूला में माइनस है बट ये जो सी है ना ये सी ये नेगेटिव था ऊपर देखो उसके वजह से वो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस समझ में आ रहा है ये था 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है इधर आ जाओ इसमें कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा या प्रॉपर दिया है प्रॉपर दिया देखो ना स्क्वायर वाला पहले होता है फिर उसका अल्फाबेट होता है फिर एक नंबर होता है और तीनों क्या होना चाहिए एक बाजू में होना चाहिए है ना मुझे बताओ बी कितना है बी ए सी ए कुछ नहीं करने का है ना सिर्फ फॉर्मूला रखने का है मुझे बताओ कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म लिखेगा ए इज इक्वल्स टू 5 बी इज इक्वल्स टू 13 सी इज इक्वल्स टू 8 समझता है क्या yes. मैं वापस से बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ मैंने बीच का एक लाइन गायब किया है कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म वाला वो मैं आपके भरोसे पे छोड़ रहा हूँ किसी को डाउट है इसके अंदर एक्स इज इक्वल्स टू समझ में आ रहा है गाय मत करो मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना माइनस तो हमेशा होता है देखो उधर भी था बी कितना है बी 30 तो मुझे बताओ माइनस 13 समझ में आया कि प्लस और माइनस रूट ऑफ अगर मैं 169 लिखता है तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा नहीं। बताओ क्या किया 13 जो 13 है ना बी 13 का स्क्वायर आने वाला था ना मैं पहले ही लिख दिया 169 आपको लिखने का है लिखो नहीं लिखने का है तो एक्स्ट्रा बढ़ा के क्या लिखेगा 13 स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ो माइनस 4 into A into C into 2A समझा इसकी वैल्यू क्या करने का रखने का A कितना है 5 C कितना है 8 सोच समझ के बताना आराम से करो आगे 4 5 जा 20 20 into 8 160 माइनस 13 प्लस और माइनस 169 माइनस 160 अपॉन 10 समझता है क्या मेरे हिसाब से ना 169 माइनस 169 होता है और 9 किसका है बी का ऐसा लिखो क्या माइनस 13 प्लस और माइनस रूट 9 अपॉन 10 एक बार क्या हुआ है रूट 9 प्लस होगा एक बार माइनस होगा समझ गया माइनस 13 प्लस रूट 9 अपॉन 10 माइनस 13 माइनस रूट 9 अपॉन 10 बराबर है रूट 9 का वैल्यू क्या आता है मालूम है क्या 3 माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 मुझे बताओ माइनस 10 समझा के माइनस 13 प्लस 3 क्या आएगा माइनस 10 अपॉन 10 कट हुआ तो कितना माइनस 1 समझ में आया इधर इंपॉर्टेंट है आगे प्लीज ध्यान देना माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10 एक बात बोलता हूँ एक मिनट ये माइनस माइनस प्लस मत करना इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि बीच में क्या है नंबर है ना एक इधर मल्टीप्लाई था इसलिए हुआ प्लस ये मल्टीप्लाई नहीं है जब भी ऐसा होगा माइनस होगा
फिर नंबर होगा और फिर माइनस होगा ना, तो उसका आंसर है ना माइनस ही आता है। और इसको ऐड कर दो, ऐड कितना आएगा, माइनस 16 अपॉन 10। अगर मैं कभी आपको पूछ लिया ऐसा तो आप लोग 9 बोलेगा कि माइनस 9 बोलेगा, बताओ समझा क्या? yes. इसको देख के समझ में आया क्या? देखो सेम है। अभी कितना माइनस 21, ये शायद 2 के टेबल में जाता है। समझ में आ रहा है क्या? माइनस 8 अपॉन 5, समझ रहे हैं? एक मिनट, 2.4 निकालो सबको। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 निकाला सब लोग। उसका सम नंबर 5 था और सम नंबर 6 था, देखो ना दिख रहा है क्या? वाई अपॉन 3 दिख रहा है क्या उधर? ये देखो, ये कौन सा हो गया, ये वाला? yes. और कौन सा हो गया इधर? ये वाला। एक रिक्वेस्ट है मेरे को आप लोग से, 2 मिनट देख लो, मैं रफ करेगा फिर सॉल्व करने, ठीक है? देख लो एक बार, और जिनको लगता है हाँ वह समझ गया है वो चालू कर दो। वो समझ गया, पेन उड़ गया तो ऊपर देखने का नहीं। हाँ अभी चार बजे एक्टिंग मत करो, ऐसा 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 करके चालू करो, किधर अटक गए तो देख लेना, ऐसा है बोलने का मतलब। तो स्टार्ट करने का फटाफट, पैन बोलो कि एसी बोलो, पैन ले जा अभी।
factorizing in general form. Get a equals to 3, b equals to 1, c equals to minus 6. देखो यहाँ पर क्या था, 73 था ना, 2.4 के ऊपर एक सम है, राइट साइड वाला सम देखो ना, तो 19 रहेगा, दिख रहा 19 एक प्राइम नंबर है, समझ रहे क्या? देखो उसके लिए आगे सॉल्व भी नहीं हुआ है, और वो नेगेटिव भी था शायद, समझ रहे? थोड़ा नंबर ऊपर रहेगा, 19 होगा। सबका हुआ है क्या सॉल्व? जल्दी करो जल्दी। स्टार्ट करो क्या मैं? जल्दी करो जरा कंप्लीट, फटाफट करो। जिनका लिख के हुआ रहेगा क्वेश्चन बराबर लिखा गया देख लेना, फोर्थ वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन।
चलो अभी ध्यान देना है, सबका नोटबुक टेक्सटबुक सब बंद, प्लीज ध्यान देना, सब लोगों को बोल रहा प्लीज तो हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ध्यान देना आप यहाँ प्लीज, फिफ्थ वन सिक्स वन अभी पढ़ा के हुआ अपना, अभी फर्स्ट वन सेकंड वन और फोर्थ वन स्टार्ट करूंगा। मैं क्या बोल रहा है, ध्यान देना सबसे पहला बात, जब भी ये एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं दिखता है तब क्या होता है, ये बात सबको पता है ना, जब भी सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा उसके आगे का टर्म क्या होगा, वन होगा। मतलब कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म के बाद में a is equals to 1, b is equals to minus 3, c is equals to minus 2, देख के लेना एक बार। आगे बढ़ू क्या? yes. पक्का? yes. हाँ, x is equals to x is equals to minus b बराबर है क्या, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए बराबर। एक बात अभी सुनना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बी कितना है, बी माइनस थ्री, ये माइनस पहले से है उधर, और बी क्या हो रहा है, और एक माइनस साथ में लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, तो फिर मुझे बताने का एक माइनस तो है ही, और बी और एक माइनस लेके आ रहा है, मतलब माइनस थ्री समझता है क्या सब लोग को, प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर, देख के लेना एक बार पक्का है, रुक जान, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए, प्लीज याद रख देखो ना एक बार, गड़बड़ लग रहा है, सब सही जा रहा है, सही जा रहा है ना, सिर्फ ए और सी रखना है मुझे वहां पे, अगर मैं ए रखता हूं तो ए का वैल्यू हो जाएगा वन, सी हो जाएगा माइनस टू, देखो बराबर रखा है क्या, बराबर है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, थ्री प्लस और माइनस रूट ऑफ, मुझे पता नहीं का माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, माइनस नाइन, मुझे बताओ एट समझा क्या, Yes. Yes. कैसे आया बताओ, एट देखो इधर एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फोर टू का कितना, एट आ गया, नाइन प्लस एट कितना आता है, सेवेंटीन, सेवेंटीन इज अ प्राइम नंबर, जैसा आपने को देखो इधर सेवेंटी थ्री आया था, इधर क्या आया आपने को, तो मैं क्या लिखेगा, थ्री प्लस और माइनस रूट ऑफ सेवेंटीन अपॉन टू, समझा क्या, एक बार क्या लिखेगा, थ्री प्लस रूट सेवेंटीन अपॉन टू और थ्री माइनस सेवेंटीन अपॉन, तेरा पॉइंट समझ रहा है क्या, क्या हवे के ऊपर से जा रहा है, नहीं ना, पक्का, एक बार देखते लो, देखिएगा कोई नहीं, आगे बढ़ू क्या, किधर ध्यान देना, बिना टाइम वेस्ट के बताओ एबीसी कितना, ए वन बी सिक्स सी फाइव, देख के लेना फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, देख के लो बराबर है क्या बताओ, आगे बढ़ू मैं, बी कितना है, बी सिक्स, ये माइनस है तो बी क्या लेके आ रहा है, सिक्स लेके आ रहा है ना, माइनस, इधर क्यों ब्रैकेट दिया था बताओ ना, क्यों माइनस लेके आ रहा था ऊपर से, देखो जरा ऊपर माइनस थ्री है, यहाँ पर कितना है, सिक्स, प्लस और माइनस रूट ऑफ, मुझे बताओ थर्टी सिक्स में किसी को डाउट है, यहाँ पर तो बी सिक्स होना चाहिए, कैसा आया बताओ, समझा, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए, समझा, पुट अप करो, ये कितना है,
बराबर है, फोर फाइव जा ट्वेंटी, माइनस सिक्स प्लस और माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 20 अपॉन 2, समझा कितना आता है 16, माइनस 6 प्लस और माइनस रूट 16 अपॉन 2, समझा दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक बार प्लस को लेके आएगा एक बार माइनस को लेके आएगा, माइनस 6 प्लस रूट 16 अपॉन 2, माइनस 6 माइनस रूट 16 अपॉन 2 बराबर है, चलो ये करते हैं, कितना आता है रूट 16 4 आता है, माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 कितना, प्लस 2 की माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 याद करो माइनस 10, देखो अभी क्या था पीछे समझो माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1, समझा क्या, एक बार देख के लो ना, बराबर है पक्का, इंपॉर्टेंट समय प्लीज, चल सीधा बैठो जरा, सब लोग ने आ गया प्लीज, सब लोग ए बी सी देखो, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू माइनस 4, सी इक्वल्स टू माइनस 2, बराबर, मैं क्या बोलता हूँ माइनस भी होता है ना स्टार्टिंग में, तो मुझे बताओ माइनस तो है ही और मेरे पास बी भी जो है वो भी माइनस है, देखो जरा एक बार सही बोल रहा है क्या मैं, लास्ट बेंच सही है इधर, हाँ सही है क्या, ओके प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू है, बराबर ए का वैल्यू कितना है 5 5 5 माइनस 2, बराबर है, ये देखो माइनस माइनस प्लस, याद करो तो 3 कैसे आ गया, वो 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 16 प्लस, समझा गया प्लस क्यों लिखा, समझा गया क्यों बताओ, 40 में किसी को डाउट रहेगा तो पूछ रहे, तो मैं आगे बढ़ता है, आगे बढ़ू क्या, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40 कितना 56, 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 56 अमाउंट है, आगे जाओ अभी एक बार सुनना, ये प्राइम नहीं है, बराबर है, हमेशा ट्राई करो कि ना ये टेबल को ऐसा लिखो कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर देखो ये होता है, आपने ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहेगा, ये ट्रिपलेट बोलते शायद से, हां यस, देखो ये सब स्क्वायर पैटर्न है ना, 4 9 16 25 36 49 81 100 121 144 169 वो क्या होता है अपना स्क्वायर का पैटर्न है तो मैं क्या बोलता हूँ 56 इसमें से कौन से टेबल में जाएगा आपके हिसाब से क्या लगता है 56 कौन से टेबल में जाएगा 4 के टेबल में जाता है तो ऐसा लिखू क्या 4 प्लस और माइनस 14 इंटू 4 अपॉन 10, समझा गया, यह आजकल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी इसको स्प्लिट करेगा ना आप लोग, स्प्लिट ही किया ना मैंने, दोनों में से एक है ना, दोनों में से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अभी कल को अगर ऐसा लिखा तो क्या करेगा आप लोग जो देखने का, कितने लोग बता सकते हैं, 45 रहेगा तो क्या करेगा, 9 इंटू 5 देखो ना, 9 इंटू 5 देखो, 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 तो है, समझ रहे क्या, चलो एक और एक देखते हैं अपना, 80 ये देखो ना, 65 समझ में आ रहा है,
एकदम इससे बेसिक पता हो गया, क्या समझ गया है इससे? चलो डाल दो इससे और एक बेसिक है आपके पास, स्टार्ट करो। ठीक, क्या नंबर है? 56 का फैक्टर निकालो ना। 56 मुझे बताओ 2 के टेबल में जाता है क्या? yes. कभी जाता है? 28 मुझे बताओ 28 फिर से 2 के टेबल में जाता है? 14 फिर से कभी? 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 1 समझा, तो मतलब मैं 56 को क्या लिख सकता है बताओ? 2 × 2 × 7 × 7 समझा क्या? एक बार सुनना, जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो कैसा पढ़ता हूँ? स्क्वायर रूट पढ़ता हूँ ना इसको। स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए? इधर 2 होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो अंदर आपको 2 बार दिखता है ना, उसमें एक बार एक बार में, समझ रहा है? तो जो ये 2 × 2 का भार कितना आ जाएगा? 1 × 2 आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा बताओ? 4 + −2√14/10 समझा क्या? एक तो मैंने बताया था, देखो ऐसा बताया था, 14 × 4 लिखो और ये 4 का स्क्वायर क्या है? 2 14 समझा। कौन सा इजी पढ़ रहा है? पहले वाला पर पहले वाले अपने को टेबल आना चाहिए, वो टाइम निकल गया था, सेम है अभी आपका, समझ रहे हैं पर क्या बोल रहा है? मैं नहीं आएगा तो ये आपका मेथड है। आगे बढ़ो, पक्का बता, अभी ध्यान दो क्या बोल रहा है। एक बार प्लस को लेना पड़ेगा, एक बार माइनस, बराबर है, ऐसा आएगा बताओ। 4 + 2√14/10 आएगा, 4 − 2√14। एक बात बोलता हूँ, ये 10 है ना, ये 10 दोनों के लिए है, क्योंकि देखो बड़ा लाइन, ये 10 ये दोनों के लिए है, तो मैं क्या बोलता हूँ, दोनों को दे दो ना, तो ऐसा होगा क्या? समझेगा एकदम? 7 8 वाला स्टेप है, समझ में आ रहा है? मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर ये ऐसा है ना x + y / 3, जो ये 3 है ना, ये 3 x के लिए भी है और y के लिए है, मतलब क्या लिखेगा? x / 3 + y / 3। मैंने वही काम किया है कि अभी मैं क्या बोलता हूँ, अभी अपने हाथ का है सब, देखो कट होगा, सब कट हो रहा है, देखो कभी होगा बताओ? 4 / 10 2 × 2 = 2 5 2 / 5 + √14/5 एक बात बोलता हूँ, ये रूट के अंदरों को भी कैंसिल मत करना, क्या बाहर बाहर का होगा, इधर भी सेम आएगा, 2 / 5 − √14/5 समझा। एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बराबर ना आज का, और ये 2 बार जो आता है भार कितना आएगा? एक बार समझ रहे हैं? स्टार्ट करने का चीजों से, जिसको बोलेगा उन्होंने जरा मुझे बुक दिखाओ जरा, ऐसा लो बाकी लोग सॉल्व करने।
प्लीज जरा आवाज हो रहा है. Gracias.